हे गाइस, दिस इज स्टडी एंड आप लोग देख रहे हो मिस्टर स्टैटिक यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रैंकशाफ्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए, हम लोग एक गाड़ी को अगर एक ह्यूमन बॉडी के साथ कंपेयर करते हैं तो गाड़ी का जो दिल है वो होता है इंजन, और इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट है वो क्रैंकशाफ्ट होता है रीढ़ का हड्डी। मतलब इस क्रैंकशाफ्ट के बिना गाड़ी चलना तो दूर की बात, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और इस क्रैंकशाफ्ट का काम होता है बेसिकली, पावर जो जनरेट होता है इंजन के अंदर वो पिस्टन के थ्रू क्रैंकशाफ्ट में आता है, और क्रैंकशाफ्ट के बाद वो जाता है फ्लाईव्हील में। मतलब पावर का जो ट्रांसमिशन होता है वो इंजन के पिस्टन से लेके फ्लाईव्हील तक का जो रास्ता है वो रास्ता ही होता है क्रैंकशाफ्ट। और मान लीजिए ये एक इंजन है, और इंजन का जो ये रेड कलर का हाइलाइटेड पार्ट है यही होता है क्रैंकशाफ्ट। तो चलिए अभी क्रैंकशाफ्ट के अलग अलग पार्ट के बारे में जानते हैं। और ये है एक क्रैंकशाफ्ट का रॉ इमेज, और उसके अंदर जो मेन पार्ट होता है वो होता है क्रैंक पिन और क्रैंक आर्म, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है बैलेंसिंग वेट या काउंटर वेट। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं की वे के ऊपर। की वे मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एक की होता है, वो की अंदर घुसाने से क्रैंकशाफ्ट का जो गियर होता है क्रैंक गियर वो इंस्टॉल होता है। और उसके बाद आता है मेन जर्नल, मतलब पिस्टन के जो बीच बीच में देखिएगा एक होल करके एक जगह है, उसको हम लोग कहते हैं मेन जर्नल बियरिंग। वो एक टाइप का बियरिंग होता है, और इंजन में कितने तरह का बियरिंग होता है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा बाद में। तो अभी समझते हैं, ये हो गया मेन जर्नल बियरिंग। और एकदम लास्ट में होता है फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लेंज, मतलब वो जो सर्कुलर चीज़ है उसके अंदर बोल्ट के थ्रू फ्लाईव्हील टाइट किया जाता है। और क्रैंकशाफ्ट के जिस तरफ की हुए है वो होता है क्रैंकशाफ्ट यानी कि इंजन का फ्रंट साइड, और जिस तरह फ्लाईव्हील माउंटिंग फ्लेंज है मतलब जिस साइड में फ्लाईव्हील लगेगा वो होता है इंजन यानी कि क्रैंकशाफ्ट का रियर साइड यानी कि पिछला साइड। अभी बात करते हैं क्रैंक पिन के ऊपर। देखिए, जहाँ जिस जगह पे पिस्टन का जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्रैंकशाफ्ट के जिस पोजीशन में आके फिट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रैंक पिन। और उस क्रैंक पिन में एक तरह का बियरिंग यूज़ होता है, उस बियरिंग को हम लोग कहते हैं बिग एंड बियरिंग, यानी कि कनेक्टिंग रॉड का जो निचला वाला पोर्शन है यानी कि जो क्रैंकशाफ्ट के साथ लगेगा उसे हम कहते हैं बिग एंड। और उस बिग एंड जो क्रैंक पिन के साथ लगता है उस जगह पे एक बियरिंग होता है, उस बियरिंग का नाम है बिग एंड बियरिंग। और इमेज में साफ है कहाँ कहाँ क्रैंकशाफ्ट के बिग एंड बियरिंग यानी कि क्रैंक पिन इंस्टॉल होता है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं क्रैंक आर्म या क्रैंक वेब के ऊपर। देखिए, क्रैंक आर्म क्या होता है, जो आर्म की तरह चीज़ है और जो क्रैंक पिन को मेन शाफ्ट के साथ कनेक्ट करता है वो होता है क्रैंक आर्म, उसे हम क्रैंक आर्म कहते हैं। देखिए, एरो में आप लोग देख सकते हैं क्रैंक आर्म क्लियरली नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आता है काउंटर वेट या बैलेंसिंग वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्रैंकशाफ्ट के अंदर, क्योंकि पिस्टन के थ्रू जो पावर स्ट्रोक जब होता है तब जो झटका क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पड़ता है अलग अलग सिलेंडर के, ये झटके को बैलेंस करने के लिए ये काउंटर बैलेंस यानी कि काउंटर वेट या बैलेंसिंग वेट को यूज़ किया जाता है। और यही था क्रैंकशाफ्ट के मेन पार्ट्स। और अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बियरिंग के ऊपर। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।